जिले के पथरिया जनपद में करीब 700 परिवार रहते हैं और यहाँ लोगों की आबादी करीब 3000 है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 15 हैंडपंप है और सिर्फ एक ट्यूबवेल चालू स्थिति में है। ग्रामीणों का ये कहना है कि ग्राम सरपंच और सचिव की मनमानी के चलते विभाग से सुधार कार्य भी नहीं कराया गया है और ना ही पंचायत के टैंकर से गांव के लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है और इसी वजह से ग्रामीणों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हालात अब ये बन चुके हैं कि गांव के लिए 4 किलोमीटर दूर से पानी लाया जा रहा है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इस कम बारिश होने की वजह से भी जल स्तर दिन प्रतिदिन घट रहा है। एक ट्यूबवेल से पानी भरने के लिए पूरे गांव के लोग पहुंचते हैं, जिससे ट्यूबवेल भी 20 से 30 लीटर के बाद पानी देना बंद कर देता है। भैया पानी की यहाँ बहुत दिक्कत है और पानी लाइट भी समय पर नहीं आ रही है, दोपहरी में दे रहे हैं पानी भी। अब 3 बोर चलते सरकारी, अब पूरी जनता गांव की, पूरी ग्रामीण क्षेत्र की जनता कहां से जा रही है, कहां से लेके आ रही। माने इन गड्ढों से तो क्या ठीक है पानी, दूसरे के माने गड्ढों से लेके 3-4 किलोमीटर से लेके आ रहे, इतनी दिक्कत है। एक आदमी माने पानी में भी और लाइट में भी ऐसी दिक्कत बन गई 2-3 दिन ऐसे, माने लाइट भी नहीं मिल रही है माने समय पे। माने भैया अब ये क्या कर सके, क्योंकि 400-600 तक गड्ढा है जहाँ पानी मिल जाए उपलब्ध है। भैया वे उनने कोशिश करी है, अब पानी की तो बहुत दिक्कत है इधर। भैया टैंकरों की तो कछु कौन है, टैंकर जे है तो कौन खते डरे, कौन टूटे डरे। जिनके जो साधन वाहन है सुबह तो ना माँ से ले आउ थे, गरीब जितते हैं सुना के वहाँ फिर रहे। भैया अब अपन हम मालूम ही नहीं है कि अपन छोटे लोग अपन कौन से कह रहे, कौन से सुन रहे। अपन तो भैया जहाँ में लगाओ सो भर लाओ, इनके गड्ढा चले गए उनके गड्ढा चले गए, जहाँ हारों से भर के ले आ रहा है जब नहीं चल रहा वहाँ से। जल संकट के बारे में जानकारी अभी प्राप्त हुई है, उसके संबंध में जनपद सीओ से बात की गई है और ग्राम पंचायतों के माध्यम से अगर वहाँ पर जल संकट की कोई स्थिति निर्मित हो रही है तो उसको देखते हुए सचिव और पटवारी के माध्यम से सर्वे कराने के उपरांत जो जल संकट है उसको दूर कराना था और टैंकर के माध्यम से यदि सप्लाई की जानी वहां पर आवश्यक प्रतीत होगी तो वैसा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में निर्णय लेते हुए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।